एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा, कैसे आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिम ऑफ पठान, हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म एवर एसआरके स्क्वाड। और ये मतलब एसआरके स्क्वाड चैनल से है। और ट्रिम ऑफ पठान मतलब पठान के जो क्या बोल सकते हैं सारे लोग जो उनके उनको प्रेस कर रहे, लाइक मूवी को प्रेस कर रहे, एसआरके को प्रेस कर रहे। तो ट्रिम मतलब बेसिकली वो एक पैरडी के जैसा है। एंड ऑल्सो लिटरली इट्स द हाइएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म एवर, मतलब आपका दंगल के बाद तो जो आया है धमाका मचाने हिंदी वन पठान है। और पठान मूवी मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो ये ओटीटी पे आने ही वाला है, आई गेस अमेज़न प्राइम पे आने वाला। जब आएगा हम सब मिलकर देखेंगे, आई जस्ट लाइक प्रॉमिस यू दैट। तो आज है हम ये एसआरके स्क्वाड के चैनल से ट्रिम ऑफ पठान ये वीडियो देखने, और बहुत ज़्यादा ही मजा आने वाला है क्योंकि थंबनेल इतना ज़बरदस्त और पावरफुल फायर ही बनाया है ना इन्होंने, वो देखे से लग रहा है कि यार जस्ट क्लिक ऑन दैट। सो टुडे वी आर हियर विद दिस वीडियो, सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते। ओ बाप रे, फेस्टिवल देखो यार। भाई साहब, ओ हो, ये पठान क्रेजीनेस यार, क्रेजी लिटरली। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में हर एक और बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी पठान। कैसा रिस्पॉन्स है, देखा ही नहीं मेरे। एवरीवन इज क्रेजी फॉर एसआर के यार। बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट का ट्रेंड स्थायी नहीं था और इफेक्टिव भी नहीं। तो ये जो बार बार जो बात आती थी बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट बॉलीवुड, ये पठान फिल्म के साथ समाप्त हो जाएगा। बॉडी देखो वो, लुक एट हिम, ये लोगों ने इतना प्यार दिया ना मूवी को, इट्स इनसेन। बड़े पर्दे पे आ रही है चिंता करने की, नगर के अंदर दर्शकों नंबर थ्री पे हिंदुस्तान की शान है शाहरुख खान। और हम साउथ इंडियन फिल्मों का रीमेक कर रहे थे, कोई फिल्में देखने नहीं जा रहा था। एक नया हीरो पैदा हुआ शाहरुख खान। क्या ये एनर्जी है यार, ये एडिट ना मिस्टर रफीक सर। यार क्या धमाकेदार मूवी बनाई यार, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर लिटरली। अभी तो रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो बिगेस्ट ओपनिंग डे, हाईएस्ट सिंगल डे कलेक्शन फॉर एन इंडियन मूवी, हाईएस्ट। ओ भाई साहब 100 करोड़ प्लस। इंडिया में तो कोशिश करेंगे 500 करोड़ लाने के लिए, याद रखना गाइस बहुत मेहनत लगेगी।
सीरियसली बोल रहा हूँ। We all are ready. देखा बस देखा या इधर क्रेजी यार क्रेजी। ये पठान ने जो रिकॉर्ड बनाया ना इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई तोड़ेगा ये रिकॉर्ड तो वो खुद शाहरुख खान है। मैं लिख के देती हूँ यार। जो एक्चुअली ना ये क्या हुआ था सीन पता है, तो मैं पठान के लिए जा नहीं पाई क्योंकि सारे के सारे फुल एक वीकेंड वी फुल एक वीक के लिए सारे के सारे सारे टिकट बिक गए थे, फुल हाउसफुल हो गया था। एंड लिटरली जब मैं शायद गई मैं गई थी शायद वहां पे जाके ब्लैक में तो ऐसे टिकट विकेट मिल जाते वो भी अवेलेबल नहीं है। इतना ज्यादा भीड़ था भाई साहब, लोग मतलब पागल हो रहे थे यार मेरे यहाँ पे जब थिएटर में गई थी। अनबिलीवेबल वो एक्सपीरियंस ना। केजीएफ के टाइम पे मैं जब पुणे में थी ना तो फर्स्ट देखा मैंने, एक्चुअली थर्ड शो देखा था तो भीड़ भी था इतना, लाइक मैं नहीं बोल रही हूँ इतना था भीड़, लेकिन फर्स्ट टाइम ही मैंने इतना ज़्यादा भीड़ देखा यहाँ पे मेरे सिटी में सोलापुर में था। तो फर्स्ट शो को मैं नहीं गई थी, लाइक शाम के शो को आई गेस 6 बजे का शो तब गई थी, तभी भी इतना भीड़ था। तो आप लोग समझ सकते हो क्या क्रेजीनेस है, क्या क्रेजीनेस है यार एस आर के की। क्या बोल सकते अनबिलीवेबल थिंग आई हैव बीन सीन ऑन दैट, क्योंकि मैंने ऐसा क्राउड कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। एंड यहाँ पे जैसे जो कोई भी बोल रहा था ना कि यार बॉलीवुड भी पीछे है, इट कांट कम एंड ऑल, मतलब अगर अच्छे भी मूवीज आए बॉलीवुड में तभी भी बॉयकॉट कर रहे थे, ये सब कुछ चीजें चल रहा था, लाइक पठान इज द आंसर टू ऑल ऑफ दैम, लिटरली पठान इज द आंसर टू ऑल ऑफ दैम। अभी धमाका धमाके के ऊपर धमाका, अभी जवान भी आ रहा है हमारे एसआरके का, तो उसका थोड़ा सीन लीक वाला कुछ हो गया था तो मैंने देखा था। मतलब तो क्यों कर रहे हो यार ऐसे, क्या क्या मिल रहा है आपको, ऑडियंस को एंजॉय करने दो ना जैसे है वो, मतलब तो क्या है यार। लेकिन कोई बात नहीं, वो सब पीछे पीछे छोड़ के वी आर हियर अगेन बैक टू टॉक अबाउट द पठान वन। लिटरली मतलब अभी हम देख रहे हैं ना, लोग थिएटर में भी पागल हो रहे हैं, थिएटर के बाहर थिएटर में, लाइक न्यूज पे चल रहे हैं, लाइक फोर्थ पोजिशन पे था, थर्ड पे आया, सेकेंड पे, फर्स्ट पे, finally the highest grossing movie ever made in India, an Indian movie, not just in Hindi language, not just in any other language, the Indian movie. ये धमाका बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका है यार। अभी अगले movie एक SRK का मैं तो बहुत ज़्यादा wait करूँगी, और मैं ये भी बोलती हूँ कि जब पठान आएगा on Amazon Prime we will definitely watch it. Yes. Together. So yeah, that is it for today. अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।